हमने जो कल जो टॉपिक पढ़ा था उसी के हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक था संधि का, ठीक है। तो संधि में हमने उसको संधि किसको किसको कहते हैं सबसे फर्स्ट में पढ़ा था, तो जो वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने संधि के प्रकार कितने थे, संधि के तीन प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतना स्वर संधि किसको कहते हैं कि जिसमें स्वर वर्ण जुड़े हुए हो तो वो हमारी स्वर संधि कहलाती है, जिसमें व्यंजन वर्ण जुड़े हुए हो तो वो हमारी व्यंजन संधि कहलाती है, और जिसमें विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन होता है तो वो हमारे विसर्ग संधि कहलाती है। कल हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि पढ़ी थी। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हमने चार नियम पढ़े थे। उनके दीर्घ संधि अपनी क्या कहती है कि समान वर्णों का दीर्घ हो जाना। इसकी सीधी सी परिभाषा आपको ये ध्यान में रखनी है कि समान वर्ण जो होते हैं जिसे अ या आ, इन दोनों में से दीर्घ है अपना आ, है ना। तो अ या आ के साथ में कुछ भी छूटता है तो वो अपने दीर्घ स्वरूप आ बन जाता है। इसी प्रकार छोटी या बड़ी के सामने छोटे या बड़ी कुछ भी जुड़ती है तो वो अपना दीर्घ स्वरूप बड़ी बन जाती है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि छोटा हो या बड़ा हो, है ना, तो उसके साथ में भी जो भी हमारा जुड़ता है छोटा हो या बड़ा हो जुड़ेगा तो उसका दीर्घ स्वरूप जो है वो बड़ा हो ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमने सारे जो है उसके एग्जाम्पल्स के साथ में हमने अच्छे से उसको समझा था। हम उसी से आगे हमने फिर गुण संधि का भी बताया था कि गुण संधि किसे कहते हैं। आज उसको हम वापस से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो उसकी परिभाषा में हम कुछ उदाहरण के द्वारा ही समझेंगे, क्योंकि उदाहरण से हम परिभाषा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ गण प्लस ईश, है ना, महा प्लस उदय, और नेक्स्ट है अपना सप्त प्लस ऋषि। ये तीन एग्जाम्पल मैंने गुण संधि के लिए, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल मैंने गुण संधि के लिए है। परिभाषा क्या निकालेंगे, जैसे अ के साथ में हमारी ई जुड़ रहा है तो बनेगा ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा गणेश हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आ के साथ में ओ जुड़ रहा है तो हमारे बन जाता है ओ, तो हम इसको कह सकते हैं ममोदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ के साथ में री जुड़ता है तो हमारे बन जाता है और, तो हम इसका बनेगा सप्तर्षी, ठीक है। तो ये अलग अलग क्रिया लागू हो रहे हैं, परिभाषा भी हमारे इसके द्वारा ही बनेगी। यदि अ या आ के बाद में छोटी या बड़ी आती है, अ या आ के बाद में छोटी या बड़ी आती है तो हमारे हो जाता है ए आदेश, ठीक है। फर्स्ट नियम क्या होता है, अ या आ के बाद में छोटी या बड़ी आती है तो ए। सेकेंड नियम अपना ये कहता है अ या आ के बाद में छोटा हो या बड़ा हो तो हो जाता है ओ, ठीक है। फिर थर्ड नियम अपना ये कहता है कि अ या आ के बाद में बी या जी आए तो अर आदेश, है ना। तो हम इससे परिभाषा निकाल सकते हैं, देखो अ सबने कॉमन है, अ आपके सामने ई आए तो ए, अ के सामने ऊ या बड़ा हुआ आता है तो ऊ, और अ या आपके सामने बी आता है तो अर आदेश, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। अब वन बाय हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फर्स्ट हमने नियम लिया है अ या आपके साथ में छोटी या बड़ी कुछ भी आ जाता है तो हमारे ए आदेश।
अब जैसे मैं ये लिखती हूँ उप प्लस इंद्र है ना, तो ये देखो अ और के साथ में ई जुड़ा तो बना ए, ठीक है, तो हमारे हो जाएगा उपेंद्र, ठीक है। उपेंद्र थे देव प्लस इंद्र, सेम है, देव में भी बहुत है अस पर जुड़ा हुआ है और ये ई है तो हमारे बन जाएगा देवेंद्र, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से और बताते हैं जैसे उमा प्लस ईज तो हमारा बन जाएगा उमेज, ठीक है। फिर सर्व प्लस ईज तो सर्वेज, सब में दिखना है आपको, ये अपना फर्स्ट नियम यही है कि और या आपके साथ में छोटी या बड़ी कुछ भी छोटता है तो ए। अब हमें ध्यान में रखना है जब भी कभी सर्वेश उमेश ऐसा आता है तो हमको किस तरीके से ये ए आया है ध्यान रखना है कि उमा और संधि जो है हमारे सार्थक शब्दों से होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं हमने और कुछ लिख दिया और हमारे हो जाए, ठीक है। जैसे उमा एक सार्थक शब्द है और ईज भी सार्थक शब्द है ना, तो इन दोनों सार्थक शब्दों से ही संधि होती है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। तो उमा प्लस ईज तो हो जाएगा हमारे उमेज, ठीक है। अब मेज जो है ये तो हमारे हो गया फर्स्ट नेम। अब हम आते हैं इसके सेकंड नियम पर, तो सेकंड नियम अपना क्या कहता है कि अ या आ के बाद में ओ या बड़ा ओ जुड़ता है तो ओ, ठीक है। सेकंड नियम क्या, अ या आ के बाद में ओ या बड़ा ओ जुड़ेगा तो ओ, ठीक है। तो देखो जैसे सूर्य प्लस उदय, तो ये अ है और अ के साथ में ओ जुड़ रहा है तो ये हमारे को अ के साथ में ओ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा ओ, तो ये हमारे हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। नियम से हम संधि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमने नियमों की भली प्रकार से जानकारी होती है तो हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें नियमों से ही उनको समझना है, हालांकि ऐसे भी बता सकती हो लेकिन उसमें आपको जो है जो समझना है वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो नियम से ही हमको समझना है ताकि जब आगे भी तुम 10th क्लास में कभी भी कुछ भी कॉल करते हो तो संधि विच्छेद तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, जैसे परीक्षा प्लस उत्सव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवर्ण आवर्ण के साथ में ओ जुड़ा है तो आ और ओ, इसका भी क्या बनेगा ओ ही बनेगा तो हमारे हो जाएगा परीक्षोत्सव, ठीक है, ये हमें ध्यान रख। फिर नेक्स्ट है जैसे गगन प्लस ऊर्ध्व, अब देखो यहाँ अ के साथ में बड़ा हुआ आया है ना, अ के साथ में बड़ा हुआ आ रहा है ना, तो उसका भी क्या होगा वो आदेश ही होगा तो गगनोर्ध्व, ठीक है। हमारे परिवर्तन सिर्फ इस जगह होगा, बाकी के कहीं कोई शब्दों में या वर्णों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। मैंने आपको कल बताया था कि संधि जो होती है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के साथ ही होती है, आगे के वर्णों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इसका जो है आप थर्ड नियम पढ़ते हैं,
थर्ड नियम था अपना और या आ के बाद में री या री जुड़ता है तो अलादेश, ठीक है, और या आ के बाद में री या री जुड़ता है तो अलादेश। जैसे लिखा मैंने सप्त प्लस ऋषि है ना, तो ये देखो इसमें कौन सा स्वर निकलना है अपने अ, और अ के साथ में मिला री, तो इन दोनों से हमारे बनेगा और अब इसका क्या हो जाएगा सप्तर्षि। अब जैसे मैं बोलते हो सप्तर्षि तो मेरे उच्चारण में ही अर निकल रहा है, ठीक है ना, तो आपको अपना उच्चारण भी बिल्कुल सही रखना है। अगर आपका उच्चारण थोड़ा सा भी गलत होगा तो आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिखा सप्त प्लस ऋषि तो ये हमारे बन गया सप्तर्षि। इसी तरीके से महा प्लस ऋषि है ना, तो ये हो जाएगा महर्षि, ठीक है। पीछे वाले विसर्ग के एज इट इज लगाए जाते हैं ना, ये ध्यान रखना, इसमें कुछ बदलाव है, जहाँ पीछे विसर्ग लगे हुए हो तो वो विसर्ग ऐसे के ऐसे लगाए जाते हैं, जहाँ यहाँ विसर्ग होता है तो परिवर्तन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो, जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु तो ग्रीष्मार्तु, जैसे मैं शब्द बोली ग्रीष्मार्तु है ना, तो अर आया मेरे उच्चारण में तो आपको अपना उच्चारण बिल्कुल क्लियर रखना है, नहीं तो अपने संधि विच्छेद गलत हो जाता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसके फोर्थ नियम पर। फोर्थ नियम अपना ये कि अ या आ के बाद में ले आता है ना, तो उसका अलादेश, ठीक है। तो जैसे त प्लस रेखा है ना, तो ये बन जाएगा तवल का, ठीक है। इसी तरीके से म प्लस रेखा, तो ये हो जाएगा अपने ममल का, ठीक है। तो हमने गुण संधि के चार नियम पढ़े है ना, तो चारों नियमों में हमने क्या देखा कि अ या आ के साथ में छोटी या बड़ी जुड़ती है तो ए हो जाएगा, अ या आ के साथ में छोटा हो या बड़ा हो जुड़ता है तो ओ हो जाएगा, अ या आ के साथ में वी या बड़ी री जुड़ती है तो अर आदेश हो जाता है, और अ या आ के साथ में ऋ जुड़ता है तो अल आदेश हो जाता है, ठीक है। तो हमें नियमों को अच्छी तरीके से समझ के ही संधि विच्छेद करना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट संधि आते हैं हम यण संधि। यण संधि को ही जैसे आपने पिछली जो भी संधि पढ़ी थी, दीर्घ संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी, तो यण संधि को भी आप नियम के दौरान ही इसकी परिभाषा आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हो, मैं प्रति प्लस ए यदि प्लस अभी वधु प्लस आगम, तीन एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने है ना। अब जैसे ई और ए, ई है ना, साधु प्लस इति, अब देखो ई है ये, हम इसका बनता है प्रत्येक, इसका बनता है यद्यपि, इसका बनेगा मधुवागम, इसका हो जाता है सात्विकी। अब देखो ये ओ के स्थान पर मैंने क्या लिखा, बल, इस ई की मात्रा देखो,
ये एक ही मात्रा है, इसके स्थान पर हमने ये लिखा है, है ना। तो हमारे जो है इसका नियम भी संधि का जो है इसकी परिभाषा इसी तरीके से बनेगी कि यदि ई या ओ ठीक है छोटी या बड़ी, है ना, इसमें दोनों ही आती है छोटी या बड़ी। वर्ड और एग्जांपल लेके भी उसका और बताऊंगी मैं। तो छोटी या बड़ी या छोटा हो या बड़ा हो, है ना, तो जहाँ ई या ई आता है तो हो जाता है उसका य। और ओ या बड़ा हो आ जाता है तो उसका हो जाता है व, ठीक है। और वी या बड़ी री आ जाती है तो उसका हो जाता है र, है ना। और पीछे जो स्वर थे वो हमारे जिसे मैंने लिखा था साधु प्लस इति, है ना, और ए लिखा था प्रति प्लस ए, है ना। तो यहाँ पे तो पता है कि ई का यह होगा या इसका होगा वो होगा। और यहाँ से हमारे कोई से भी असमान स्वर, मतलब ये सब कुछ फिक्स नहीं है। पहले की दो संधियों में अपन फिक्स था कि और आ के बाद में ई या ई आएगा तो ही ए होगा, है ना, और अ आ के बाद में छोटा हो या बड़ा हो आएगा तो ही ओ होगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है, फिक्स है आपके ई के स्थान पर य, ओ के स्थान पर व, वी के स्थान पर र। यहाँ पीछे जो है यहाँ असमान वर्ण, असमान यानी कि अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है ना, स्वर, है ना, असमान स्वर, कोई सा भी स्वर हो सकता है। तो ये हमें इसमें ध्यान में रखना है। तो वो असमान स्वर जो होता है वो उसमें जुड़ जाता है। अभी बताती हूँ मैं इसके एग्जाम्पल, जब तक हम 2000 एग्जाम्पल करते हैं तो 2000 एग्जाम्पल से हमें वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ कि न प्लस इति, फर्स्ट ये अपना नियम देखो, फर्स्ट ये ई या बड़ी के साथ में का हो जाता है य, है ना, छोटी या बड़ी का भी क्या हो जाएगा य, ठीक है। तो जैसे अति प्लस उत्तम, ठीक है, अति प्लस उत्तम, तो अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने ये अति लिख दिया, उत्तम लिख दिया, अति उत्तम मैं लिखा दूंगी, लेकिन आपको ये कैसे आया वो अपने को थोड़ा सा शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे इस शब्द को मैं यहाँ थोड़ा तोड़ूंगी तो अ लिखा मैंने, तो ये अपना आठवां वर्ण, जब तक ई की मात्रा ये जो ती है, ती में ई की मात्रा लगाई तो क प्लस ई, है ना, ये इस तरीके से बनता है। और क है क्या है अपना आधा, तो आधा तो ऐसे लिखूंगी मैं, और ये ई का क्या हो जाता है, ई का क्या होता है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे य लिख दिया, तो ये क्या हो गया, अज्ञ हो गया। अज्ञ में अब हमारे ओ की मात्रा को जोड़ना है, अज्ञ और पीछे का ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो बना अत्युत्तम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इसको और देखते हैं कि जैसे इति प्लस आदि, ठीक है, अब इसको भी ऐसे करेंगे, ई आधा त और ई का य, है ना, तो ये हो जाएगा इत्य, और ये आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और ये बना इत्यादि, ठीक है। हमको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इत्यादि, ई का क्या होता है, ये ध्यान इसमें यही रखना है कि ई का य, उ का व, री का र और री का ल, ठीक है, ये चार बात अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। अब इसका नेक्स्ट जो है, जैसे उ या बड़े उ के स्थान का हो जाता है अपने व, ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ अनु प्लस आई, ठीक है, देखो अनु को भी हम उसी तरीके से तोड़ेंगे,
जैसे मैं अ लिख दिया, मैंने न को आधा लिख दिया और ये उ की मात्रा का व कर दिया, तो अनव और ये अ इसमें जुड़ जाएगा, है ना, तो अनव य। ठीक है, ये बना आपने अनवय। ठीक, इसी तरीके से और एग्जांपल लिखो, जैसे सु प्लस आगतम, सु का स आधा हो जाएगा, उ की मात्रा का ब हो जाएगा, फिर आ जो है ये आ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा आपने स्वागतम। ठीक है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हो गया आपने स्वागतम। ठीक, अब हम गुरु प्लस आदेश, तो ये होगा गुरुवादेश। ठीक है, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश। ठीक, हम आ सकते हैं इसके थर्ड नियम पर। थर्ड नियम है अपना ई वी, और ये री का हो जाता है र। ठीक है, री और री का क्या हो जाता है र। ठीक है, तो हमने जैसे मैं शब्द लिखती हूँ पित्र प्लस आज्ञा। ठीक है, तो ये अब यहाँ हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि प्र प्र जो है दो शब्दों से, त और र, है ना, इनसे मिलकर बना है। ठीक है, इस री का ये र हो जाएगा और त प्लस र इसीकर को बनता है अपने प्र। ये त्र अपने संयुक्त वर्ण है, कौन सा वर्ण है, संयुक्त, तो ये बनता है हमारे पित्राज्ञा। ठीक है, जैसे मातृ प्लस आज्ञा, तो त और र, है ना, तो ये बन जाएगा मात्र और ये आ की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी, तो ये बना हमारे मात्राज्ञा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे मात्राज्ञा। फिर हम आ जाते हैं सवित्र प्लस उदय, है ना, तो सवित्र उदय। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गया, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट हम आगे की पढ़ाई करेंगे।